हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल माय नेम इज दर्शना मोड़ा आई अपलोड हियर होम मेकिंग एंड लाइफस्टाइल वीडियोस इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड यू ट्यू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज लेट स्टार्ट तो रोज की तरह आज भी सेम रूटीन है टिफिन बनाना और आज टिफिन में जा रहा है गुजराती ढोकला तो ये बेटे को बहुत पसंद है और बनाना भी मेरे लिए बहुत इजी है इसका आटा मैं पीस कर ही रखती हूँ रात को खमीर दे देती हूँ मे भिगो देती हूँ और सुबह ढोकला रेडी तो ये ढोकला बहुत ही हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी दाल और चावल है प्रोटीन से भरपूर है तो हमारे ढोकला रेडी है तो गुजराती ढोकला बहुत सारी वेरिएशन में बनते हैं तो ये मिक्स दाल की ढोकला है तो इसमें मैंने दो कटोरी चावल एक कटोरी चना दाल एक कटोरी उड़द दाल और आधी कटोरी तुवेर की दाल डाली है और सबको पीस लिया है तो अभी हम ड्राई नाश्ता बनाएंगे बच्चों को ड्राई नाश्ते में भी रोज़ वेराइटी चाहिए होती है तो आज मैं बेटे के लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है वैसे तो मैं आधा बटर और आधा ऑयल लेती हूँ लेकिन अभी बटर अवेलेबल नहीं है तो ऑयल में कॉर्न डाले हैं हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है और गैस की फास्ट आंच रख कर उसको हीट करना है फिर जब पॉपकॉर्न फूटने लगे तब हमें उसको हिलाना है ताकि जो कॉर्न के दाने हैं वो नीचे चले जाए और हमारे सब पॉपकॉर्न फूट जाए तो देखो कितने खिले खिले बने हैं हमारे पॉपकॉर्न अब हम बेटे का टिफिन भर देंगे और आज का हमारा ब्रेकफास्ट भी यही है तो सबसे पहले पार्थिल को बस तक छोड़ने जाऊंगी और फिर चाय के साथ हमने भी ढोकला एन्जॉय किया और फिर मैंने लंच बनाया तो आज मेहुल की जनरल शिफ्ट है तो मेहुल को पौने नौ बजे जाना है तो उस बहाने मेरा लंच भी बन गया क्योंकि मेहुल टिफिन लेकर जाते हैं तो हस्बैंड को बाय बाय करने के बाद आ गई हूँ वापस किचन में दोपहर का लंच हो गया तो समझो मॉर्निंग का आधा काम हो गया तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फ्रीज को क्लीन करूँगी तो सबसे पहले पीछे से स्विच ऑफ़ कर देते हैं और फ्रिज का नीचे का पार्ट हम साफ़ करेंगे तो सबसे पहले सब सामान फ्रिज में से रिमूव कर देते हैं फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें फ्रोज़न है तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक बाहर नहीं रख सकते हैं तो अभी फ्रीज़र का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेंगे जब तक डोर नहीं खोलोगे तब तक फ्रीज़र ठंडा ही रहता है तो हम फ्रीज़र को लास्ट में क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद तुरंत ही फ्रिज को चालू कर देंगे तो अब हम नीचे के फ्रिज के जो पार्ट है उसको निकाल लेते हैं तो अभी फ्रिज पूरा खाली हो गया है सब पार्ट निकाल लिए हैं तो अब सबसे पहले हम सब पार्ट को वॉश करेंगे ताकि जब फ्रिज क्लीन हो जाए तो उसके बाद तुरंत हम उसको अरेंज कर सकें तो सबसे पहले हम फ्रिज मेट को क्लीन करेंगे तो ये मेट किचन वाली मेट है जो रोल में आती है उसको कटिंग करके मैंने यहाँ फ्रिज की मेट बनाई है और ये रेडीमेड भी मिलती है और आप डाइनिंग टेबल की मेट का भी यूज कर सकते हो ये बहुत सारे कलर और डिजाइन में मिलती है आप अपने फ्रिज के कलर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो फ्रिज मेट बिछाना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे फ्रिज बहुत कम गंदा होता है और जैसे भी कुछ गिरा है तो आप मेट को निकाल कर इजिली वॉश कर सकते हो और इजीली वाइप आउट भी कर सकते हो और एक बार मेट ले ली तो ये तीन चार साल चलती है जल्दी फटती टूटती नहीं है तो अभी मेट को क्लीन करने के बाद हम फ्रीज के पार्ट को क्लीन करेंगे फ्रिज की ऐसी डीप क्लीनिंग मैं साल में एक या दो बार ही करती हूँ फ्रिज को डीप क्लीनिंग बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर फ्रिज वन हैंड यूज़ हो रहा है और कुछ भी गिरा हो तो तुरंत ही वाइप आउट कर देना है और जो भी चीज़ रखो वो ढककर रखनी है खाने वाली चीज़ें तो उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और हमारा फ्रिज क्लीन रहेगा और देखो मेट बिछाने से ये ग्लास भी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए है और उसमें एक भी स्क्रेच भी नहीं आया है तो मेट बिछाने भी बहुत जरूरी है तो अभी फ्रिज के सब पार्ट को अच्छे से वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से क्लीन करेंगे और फिर फैन के नीचे सुखा देंगे और फिर फ्रिज की क्लीनिंग उसके बाद करेंगे ताकि जब तक फ्रिज क्लीन हो जाए तब तक ये पार्ट अच्छे से सूख जाए और हम उसको अरेंज कर सकें अभी एटमोसफियर बहुत ही मोइस्ट है और इतना मीन्स के बारिश वाला मौसम है कि अभी घर में भी अंधेरा ही लग रहा है तो अभी वो अपने आप तो सूखेंगे नहीं तो उसको उसको पहुँच हम फैन के नीचे सुखा देंगे जब आप दो से तीन घंटे फ्री हो तभी फ्रीज क्लीनिंग करनी चाहिए क्योंकि फ्रीज क्लीनिंग को आप बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते हो और हो सके तो ठंडे मौसम में ही फ्रीज क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि जो भी हम चीज़ें फ्रिज की बाहर रखें उसको बाहर भी ठंडा एटमोसफियर मिले तो अभी फ्रिज के सब पार्ट्स की क्लीनिंग हो गई है अब हम फ्रिज की अंदर की क्लीनिंग करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे तो ये लिक्विड बहुत ही सिंपल है और सब चीज़ आपके घर में मिल जाएगी तो ये लिक्विड से वॉश करने से आपका फ्रिज एक तो जम्स फ्री हो जाएगा साइनी हो जाएगा उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी तो सबसे पहले एक बाउल में लिक्विड शोप लेना है तो ये बोतल शैम्पू की है लेकिन अंदर लिक्विड शोप ही है फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर थोड़ा विनेगर डालेंगे विनेगर की जगह आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हो और फिर उसको स्पंज की हेल्प से फ्रिज को क्लीन करेंगे तो हो सके तो नया ही स्कॉच ब्राइट यूज़ कीजिएगा और दूसरी साइड स्कॉच ब्राइट है जिससे आपको कुछ दाग धब्बे जिद्दी लगे तो इससे आप कर सकते हो अदरवाइज आपको उसे स्पंज से ही क्लीन करना है तो सबसे पहले हम फ्रिज को एक सूखे कपड़े से पोंछ देंगे ताकि जो भी कचरा है अंदर कभी कभी मसाले गिरे होते हैं या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो गिरी होती है वो सबको पहले साफ़ कर देना है ताकि हम जब लिक्विड सोप से उसको क्लीन करें तो वो बीच में ना आए और अच्छे से हमारा फ्रीज क्लीन हो जाए तो ये मेरे फ्रीज के 12-13 साल हो गए हैं लेकिन अंदर से भी एक भी मैंने कुछ भी दाग दबे पड़ने नहीं दिए हैं तो जब भी आप फ्रिज में कोई भी चीज़ निकालो या फिर उसमें रखो तो बहुत आराम से रखो और गंदी है तो पहले पोच कर रखो और कुछ भी अंदर गिरा है तो उसको तुरंत ही वाइप आउट कर दो आपके हाथ गंदे हैं तो हाथ क्लीन करके फ्रीज को टच करो तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका फ्रिज भी क्लीन रहेगा तो बस अभी अच्छे से जहाँ दाग धब्बे हैं वहाँ स्कॉच ब्राइट से करेंगे बाकी स्पंज से चारों ओर से साफ कर देंगे तो अभी साबुन के पानी से क्लीन करने के बाद अब हम फ्रिज को गीले कपड़े से क्लीन करेंगे तो फ्रिज क्लीन करने के लिए जो भी कपड़ा यूज़ करो वो वॉश किया हुआ होना चाहिए यूज्ड कपड़ा नहीं चलेगा तो अभी दो तीन बार हम गीले कपड़े से फ्रिज को क्लीन करेंगे ताकि जो साबुन वाला पानी है वो अच्छे से निकल जाए अगर आपके फ्रिज में दाग धब्बे हैं तो उसको क्लीन करने के लिए आपको बेकिंग सोडा में थोड़ा लिक्विड शोप और थोड़ा विनेगर डालकर पेस्ट बनाकर उसको दाग धब्बों पे ब्रश से रगड़ना है तो उससे दाग धब्बे चले जाएंगे और जब भी आप बाहर जाओ आउट ऑफ स्टेशन जाओ तो फ्रीज को बिल्कुल भी बंद करके नहीं जाना है उससे फ्रिज में फंगस होगी और पूरा फ्रिज आपका काले धब्बों से बिगड़ जाएगा तो आप फ्रिज को एकदम स्लो करके जा सकते हो पूरा बंद नहीं करना है और छोटी छोटी जगह है जहाँ आपकी फिंगर नहीं जा सकती है वहाँ आप बर्ड से उसको क्लीन कर सकते हो भी हमारा फ्रिज क्लीन हो गया है अब हम सब पार्ट को फ्रिज में अरेंज करेंगे तो आजकल फ्रिज जीवन जरूरियात की चीज बन गया है और उसमें काफ़ी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक फ्रेश भी रहती है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज़ हो आप फ्रिज में भर दो फ्रिज को स्टोर रूम बना दो ओवरलोड के कारण भी फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है जो चीज़ के लिए फ्रीजिंग ज़रूरी है वही चीज़ें फ्रिज में रखें या फिर कम शॉपिंग करें जो पैक्ड आइटम रहती है जैसे कि रवा है सूजी है जब तक वो पैक रहेगा वो अच्छा ही रहेगा तो पैक्ड आइटम को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है खोलने के बाद ही आप उसको फ्रिज में रखिए और आजकल फ्रिज की बहुत सारी एसेसरिस भी मिलती है तो वो एसेसरिस भी लेनी ज़रूरी नहीं है आपके पास छोटे छोटे बॉक्स है आप उसमें पढ़ कर भी खाना या कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो तो बस अभी मोस्टली सब सेट हो गया है वेजिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रिज तभी साफ करें जब आपके फ्रीज में बहुत कम चीज़ें हो मिनिमम आइटम हो तो भी वेजिटेबल तो कुछ भी नहीं है लेकिन वेजिटेबल के नीचे मैं एक न्यूज़पेपर बिछा कर रखती हूँ क्योंकि फ्रीज में मेरे वेजिटेबल के जो स्टोरेज है उसमें पानी आता है तो नीचे की सब्जी खराब होती है तो मैं नीचे पेपर बिछा कर रखती हूँ तो अब बारी है फ्रीज़र की तो सबसे पहले ये जो प्लेट है ब्लू कलर की उसको वॉश कर देंगे वो पानी से भरी हुई है तो फ्रीज़र बंद होने के बाद ये लॉन्ग टाइम तक ठंडी रहती है तो अभी सबसे उस पहले उसको क्लीन करेंगे और फिर वापस वो प्लेट रख के उसके ऊपर हम जितनी आइटम आए उतनी रख देंगे वरना बस अभी दस पंद्रह मिनट में हम ऊपर का कंपार्टमेंट क्लीन करेंगे और फिर फटाफट से सब चीज़ें अंदर रख कर फ्रिज को चालू कर देंगे फ्रिज को ओवरलोड होने से बचाने के लिए जेम सॉस ऐसी चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए वैसे भी इसमें प्रिजर्वेटिव रहता है तो वो बाहर भी बिगड़ती नहीं है और बचा हुआ भोजन भी हमें दो दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखना नहीं चाहिए फिर उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो हो सके तो गर्म और ताज़ा ही खाना खाना चाहिए और आ, बहुत सारी ग्रेवी बनाकर फ्रिज में रख दी या फिर प्याज काट कर फ्रिज में रख दी प्याज तो बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए वैसे भी प्याज बाहर भी काट कर एक घंटे में उसको खा लेना चाहिए और ग्रेवी भी हो सके तो जितनी चाहिए उतनी ही बनाओ जितना फ्रेश और गर्म और ताज़ा खाओगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो अभी हमारा फ्रिज क्लीन ऑलमोस्ट हो गया है अब हम फ्रिज को बाहर से क्लीन करेंगे तो बाहर से तो मैं उसको वंस इन अ वीक क्लीन करती ही रहती हूँ तो बाहर से मैं फ्रिज को कॉलिन से क्लीन करती हूँ तो बस अभी कोलिन से फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने क्योंकि अभी मुझे जाना है लेडीज़ क्लब आज लेडीज क्लब मेंबर की गैदरिंग है और उसके बाद प्लान टेंशन है तो नहाने के बाद दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ लेडीज़ क्लब तो आज प्लानटेंशन करना था तो मेरे घर में एक जामुन का पेड़ था गमले में था तो अभी एक लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ता नहीं है तो सोचा यहीं लगा दूंगी वैसे तो हमारी टाउनशिप में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पूरी टाउनशिप ग्रीनरी से भरी हुई है और इसी की वजह से आज हम इतनी सारी कंपनियों के बीच में टाउनशिप में रह रहे हैं तो प्लांटेशन पोल्यूशन को बहुत कम करता है तो आप अपने लिए नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लीज़ प्लांटेशन जरूर कीजिए हमारा आज का प्लान टेंशन प्रोग्राम हमने सब ने बहुत एन्जॉय किया तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए